दोस्तों आज ये देख रहे हैं यश चोपड़ा बहुत बड़े हिंदुस्तान के डायरेक्टर थे। दोस्तों हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर काजोल और शाहरुख की तस्वीर लगी हुई है, वो बड़ा दूर इलाका है। दोस्तों मैं इंटरलॉकन के बाहर जा रहा हूँ देखने के लिए इर्द गिर्द का इलाका, और ये गाड़ी है जिसमें मैं जा रहा हूँ और मेरे जो मेज़बान हैं वो मेरे साथ हैं। तो ये देखिए ये जुल्फ़िकार साहब, और हम चलते हैं आपको दिखाते हैं स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर हूँ, यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। दोस्तों ये देखें DDLJ के पोस्टर के साथ स्विट्ज़रलैंड में सारे तस्वीरें बनवा रहे हैं। जब भी यहाँ आए तो अपने गर्म कपड़े और वो वाले जूते जो स्लिप ना हो वो लेकर आइएगा, वो हिल रहा है और बड़ा डेंजरस है। इस जैसी चार केबल कार्स बदल के टॉप ऑफ द रॉक पहुंचते हैं आप, फिर वहां से एक बहुत बड़ा शीशे का गोला आपको बर्फों के बीचों बीच ले जाता है। यहां पर आप देखिए जी इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और यहां पर इस पुतले के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए काफ़ी टाइम खर्च हो रहा है। ये देखें सब इंडियंस हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो अखारिब, मेरे अजीज़ो मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ स्विट्ज़रलैंड के शहर इंटरलाकन में। इंटरलाकन का मतलब है झीलों के दरमियान, ये जर्मन जबान का लफ्ज़ है। स्विट्ज़रलैंड का ये हसीनो जमील शहर दुनिया भर के सयाहों की आमाजगा है। इस शहर के मशरक में ब्राइजिज और मगरब में थून नामी झीलें बहती हैं, और ये शहर उन झीलों के दरमियान है, इसीलिए इसे इंटरलाकन कहते हैं। और इन झीलों के दरमियान आर ए नामी दरिया बहता है। इस शहर की आबादी 24,000 के करीब है। स्विट्ज़रलैंड के इस शहर की सरकारी जबान जर्मन है ना हैरत की बात। आज इस शहर में वेस्पा स्कूटरों का एक मेला लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है। आज यहाँ पर मुनक़िद किया गया है जहाँ दुनिया भर से वेस्पा स्कूटर आए हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त शहर में 25,000 वेस्पा स्कूटर मौजूद हैं जो शहर में जा बजा देखे जा सकते हैं। मैंने इससे ज़्यादा दिलकश खूबसूरत डिज़ाइन के नए पुराने जदीद कदीम स्कूटर आज तक नहीं देखे। इस शहर को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद बड़ी शोहरत मिली। इस शहर के करीब ही एक पहाड़ है जिसे टिटलिस पहाड़ कहते हैं, जो सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। उस पहाड़ पर DDLJ की शूटिंग हुई थी, इसलिए वहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की एक कद्दे आदम तस्वीर लगाई गई है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस शहर इंटरलाकन का सफ़ीर DDLJ के डायरेक्टर यश चोपड़ा को मुकर्रर कर दिया गया है। जी हाँ, जब वो ज़िंदा थे तो उनको सफ़ीर मुकर्रर किया गया, और उनके मरने के बाद यश चोपड़ा का एक मुजस्मा भी यहाँ पर नस्ब किया गया है। उस मुजस्मे को देखने हिंदुस्तान से हज़ारों सैयाह साल भर यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों आज ये देख रहे हैं यश चोपड़ा बहुत बड़े हिंदुस्तान के डायरेक्टर थे, और उन्होंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की। ये इनके नाम का सर्टिफिकेट यहाँ पर, और इंटरलाकन का सफ़ीर मुकर्रर किया, यानी कि एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसी अनोखी फिल्म थी जिसके चलने के बाद हिट होने के बाद स्विट्ज़रलैंड का ये इलाका इतना ज़्यादा मशहूर हुआ, इतना ज़्यादा हिट हुआ कि यहाँ सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद आने लगी। यहाँ पर आप देखिए जी इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और यहाँ पर इस पुतले के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए काफ़ी टाइम खर्च हो रहा है। ये देखें सब इंडियंस हैं। और आज मैं जा रहा हूँ इस पहाड़ की तरफ जहाँ शाहरुख खान और काजोल की तस्वीर लगी हुई है, और ये पहाड़ बहुत ऊँचा है, इतना ऊँचा है कि बादल नीचे रह जाते हैं और पहाड़ ऊपर। हमारे दाएं बाएं जो घर हैं इनको देखने से लगता है जैसे हम कोई तस्वीर देख रहे हैं या किसी लैपटॉप का वॉलपेपर हो। आसारे कदीमा के मुताबिक ये शहर 2000 साल पहले भी आबाद था। इब्तदा में शिकस्त खाने वाले मगरबी ममालिक के बादशाह या चोर डाकू इस इलाके में आकर रूपोश हो जाया करते थे। आज भी तीसरी दुनिया के रहने वाले बाशिंदे यहाँ पर आकर स्लिप हो जाते हैं, ये वीज़ा लाभ जे। तो इससे साबित होता है कि इस इलाके में कोई तिलस्माती ताकत है जो लोगों को रूपोश होने पर मजबूर करती है। खैर ये तो मैंने अज़राह तफन्नुन बात कर दी, आप ये नज़ारे चेक करें। दिल चाहता है कि इसी तरह सफ़र करता रहूं और ज़िंदगी यहीं तमाम हो जाए।
मेरा अल्लाह बहुत खूबसूरत है और उसने ये सारी दुनिया नहायत खूबसूरत बनाई है, मगर स्विट्जरलैंड कुछ ज़्यादा ही हसीन लगता है मुझे। दोस्तों आगे काम हो रहा है, इन्होंने एक डिस्पोजेबल इशारा यहाँ रख दिया है। ये देखें अब ये गाड़ियाँ गुजरेंगी पहले सारी, जब ये चली जाएंगी गाड़ियाँ तो फिर हमारे पीछे एक लंबी लाइन गाड़ियों की है और हमारी बारी आएगी। ये वर्किंग जब करते हैं तो इस तरह से करते हैं और इनकी आवाम इनसे मुकम्मल तावुन करती है। और ये देखें अगर राइट साइड में देखें कितनी खूबसूरत झील है, और अभी सूर्य डूबने में काफ़ी वक्त बाकी है। ये देखिए ये झील, और अगर आप पीछे देखें तो गाड़ियाँ भी हैं, तो ये यहाँ का निज़ाम है जो बहुत खूबसूरत है और ये हसीन वादियाँ। दोस्तों रास्ते हमने यहाँ स्टे किया है और ये बड़ी खूबसूरत एक झील है जहाँ पर लोग ये देखें नीचे मछली का शिकार भी कर रहे हैं, ये देखें ये भी कर रहे हैं, और बड़ी ही खूबसूरत झील है। और दूर पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, वो देखें, और झील का पानी ग्रीन रंग का पानी है, बड़ा साफ़ सुथरा पानी है, और ये इलाका बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर इंटरलाकन से हम बहुत आगे आ चुके हैं, मुझे इस इलाके का नाम तो नहीं पता, लेकिन देखिए आसमान पर बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं और किस कदर हसीन मनाजिर हैं ये। पीछे होटल भी है, आप यहाँ से खा पी सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, और यहाँ पर सांस लें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई तवानाई आपके अंदर जा रही है। पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा टूरिस्ट हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई हैं। और क्योंकि इंटरलाकन के अंदर स्विट्ज़रलैंड के इस इलाके में वेस्पा का जो एक ग्रुप है पूरी दुनिया में, उसके जो लोग हैं मेंबर्स वो आए हुए हैं, और हवा बड़ी अच्छी है, खुनकी है थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने ये यहाँ से ख़रीद के एक पहन लिया फुल स्लीव्स, लेकिन उसके बावजूद खुनकी का बड़ा मज़ा आ रहा है। तो स्विट्ज़रलैंड का ये इलाका जिसका मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, पीछे दूर तक फैली हुई झील और यहाँ के हसीन मनाजिर, पीछे बादल और बहुत मज़े की हवा, खुनकी है इसके अंदर लेकिन काबिले बर्दाश्त सर्दी है। तो आप जब भी स्विट्ज़रलैंड आएँ तो आप इस इलाके में ज़रूर आइएगा, बहुत इंजॉय करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ आएंगे। ये देखिए एक बार फिर मेरे पीछे एक बहुत खूबसूरत दूर तक फैली हुई झील, और पीछे दूर बहुत दूर बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जो शायद मेरा कैमरा दिखा नहीं पा रहा, लेकिन ये जो पहाड़ियाँ हैं इन पर बर्फ़ पड़ी हुई है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे और आपको आगे लेके चलेंगे। दोस्तों हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर काजोल और शाहरुख की तस्वीर लगी हुई है, वो बड़ा दूर इलाका है, तो नाश्ता हम कर चुके हैं तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए ले जाइए, तो वो ले लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं।
और आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर बर्फ भी होगी, नज़ारे होंगे और काजोल और शाहरुख की तस्वीर भी लगी है। इस पर लिखा हुआ है कि अगर आप यह गन डालेंगे तो ये गायें कह रही है कि मुझे बीमार करेंगे। बड़ा अच्छा खूबसूरत मैसेज और पीछे बड़ी खूबसूरत एक वादी है देखें, और हम आगे लेके चलते हैं आपको। मेरे पीछे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और इस लेक को देखने के लिए। बड़ा खूबसूरत हसीन मंज़र है, ये देखें ये बसें हैं, ये देखें, और स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियाँ आपके लिए। दोस्तों देखिए कितने हसीन मनाजिर हैं, कितना खूबसूरत मंज़र है। ये मंज़र कैप्चर करने के लिए मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा, और मेरे पीछे आप देखें चेयरलिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, वो चेयरलिफ्ट जा रही है, और यहाँ पर बड़ी तादाद है टूरिस्ट की, और पूरे यूरोप से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आए हुए हैं। देखिए क्या हसीन मनाजिर हैं वो देखें, और ना सिर्फ चेयरलिफ्ट जा रही है बल्कि एक ट्रेन का डब्बा भी जाता है ऊपर की तरफ, और यहाँ का मंज़र भी बड़ा खूबसूरत है। अगर आप देखें जब हम इस तरफ आते हैं तो इस तरफ का मंज़र भी बड़ा प्यारा है। ये देखिए, ये देखिए कितने हसीन कितने खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के। और अब हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर सुना है कि वहाँ पर बर्फ़ भी होगी, तो यहाँ आकर पता चला कि जहाँ हमने ऊपर टॉप ऑफ द रॉक जाना है वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो यहाँ से ये किराए की जैकेट्स मिलती हैं, ये 20 पाउंड की जैकेट है। ये देखिए ये शूज़ लगे हुए हैं, बहुत सारे हर साइज़ के जूते हैं। तो ये जो जूते मैंने लिए हैं ये जूते 10 मतलब यूरो के हैं। तो यहाँ जब भी आप आएँ तो काइंडली इस पोर्शन पे अगर जाना है आपने तो अपने गर्म जूते और अपने गर्म जो जैकेट है वो लेके आइएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो इस वक्त 0 दर्जा हरारत है जो यहाँ इन्होंने हमें टेम्परेचर बताया है। जब भी यहाँ आएँ तो अपने गर्म कपड़े और वो वाले जूते जो स्लिप ना हो वो लेकर आइएगा। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने किराए पर देने के लिए ये जूते रखे हुए हैं, ताकि लोग जो बर्फ़ों में जाते हैं उनके लिए। ये देखें ये जूते हैं जो बर्फ़ में स्लिप नहीं होते, वाटरप्रूफ। ये जैकेट्स हैं, ये ऊपर रेंट लिखा हुआ है, ये देखें ये रेंट पे मिलती हैं। ये जैकेट्स हैं, ये और बड़े जूते हैं अगर आप ज़्यादा बर्फ़ में जाना चाहें तो, ये वाले जूते हैं। दोस्तों हम यहाँ से बैठ गए हैं केबल कार में, और देखें चारों तरफ बड़ा खूबसूरत मंज़र है, बर्फ़ नज़र आ रही है, और खरामा खरामा चलती हुई ये केबल कार ऊपर की तरफ जा रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो बेस कैंप से आप टिकट लेंगे, लेकिन वो टिकट जो है वो 4 बार आपको केबल कार बदलनी पड़ेगी उस एक टिकट के अंदर। और जब वो केबल कार 4 बार आप बदल लेते हैं और मुख्तलिफ पहाड़ियाँ क्रॉस करते जाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो फिर बहुत ऊपर जाकर टॉप ऑफ द रॉक एक बहुत बड़ा गोला शीशे का आपको आगे लेके जाता है, जिसमें 100-150 लोग होते हैं, और वो फिर आपको ऐन उस जगह ले जाता है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो आए मैं आपको लेके चलता हूँ। एक दो तीन ये 4 और ये 5। जब बाहर आए तो फिर यहाँ पर तस्वीर है जो आप खिंचवाते हैं और लगा सकते हैं। दोस्तों ये देखें DDLJ के पोस्टर के साथ स्विट्ज़रलैंड में सारे तस्वीरें बनवा रहे हैं, और ये मेजोरिटी जो है ये इंडियंस हैं। ये देखें ये स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियाँ, ये देखें हसीन मनाजिर खूबसूरत। दोस्तों ये एक पुल है, ये ब्रिज है, और जो हिल रहा है, और हम 1000 फुट की बुलंदी पर है, और इसके ऊपर चलते हुए लोग खौफजदा हो रहे हैं। मुझे खौफ तो नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि पुल हिल रहा है इसलिए मैं भी हिल रहा हूँ। ये वाले मनाजिर शायद मैंने तो पहले किसी वीडियो में नहीं देखे जो मैं आपके लिए ये शूट कर रहा हूँ।
ये देखिए ये पुल है, ये दूर तक और इस तरफ भी पीछे दूर तक पुल हिल रहा है और बड़ा डेंजरस है, लेकिन क्योंकि हिल रहा है इसलिए मैं हिल रहा हूँ, मुझे कुछ डर नहीं लग रहा। नीचे जब आप देखते हैं तो आपको खौफ आता है और ये एक फितरी अमल भी है, लेकिन बड़ी ठंडी हवा है। मुझे अभी जब मैंने टेम्परेचर देखा तो -2 है। या रास्ता दीजिएगा, और हमने ये जैकेट्स और ये जूते जो लिए थे किराए पे वो बिल्कुल ठीक किया था। और आगे बर्फ पोश पहाड़ स्विट्जरलैंड के, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले मैंने तो खैर ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर यहाँ तक कोई आया हो। मैं 6ठे लेवल पे आ चुका हूँ स्विट्जरलैंड में। पहाड़ियाँ दूर तक, खूबसूरत हसीन मनाजिर, और मेरा पसंदीदा गाना जो मैं अक्सर अपनी गाड़ी में सुनता हूँ हाईवेज पे, इन हसीन वादियों से दो चार नज़ारे चुरा ले तो चले। कितना हसी गगन है, ला 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 ला। दोस्तों ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलके गाना गा रहा है। आप पाकिस्तानी? ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ए मेरे साजना, इन बहारों में दिल की गली, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों में है तेरी राहों की खुशबू से महके चमन, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन। दोस्तों देखिए इंडिया और पाकिस्तान ने मिलके गाना गाया और बड़ा मजा आया। और ये देखिए मेरे पीछे बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, और यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो इंडियन बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी पूरे स्विट्जरलैंड में जो सैर करने आया हुआ था और जो मैंने देखा वो सिर्फ मैं ही था। इत्तेफाक की बात है शायद, क्योंकि हालात ऐसे होंगे या शायद हुकूमत की कुछ पॉलिसीज भी होंगी जिनकी वजह से वीज़ाज नहीं मिलते, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की खूबसूरत बर्फ पोश पहाड़ियाँ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। इन हसी वादियों से, इन हसी वादियों से दो चार नजारे चुरा ले तो चले, चुरा ले तो चले, इतना बड़ा गगन है दो चार सितारे चुरा ले तो चले। जी हाँ दोस्तों, चले तो जाना है, लेकिन मेरी इतना पिकनिक करके जाइए, जिंदा रहिए, खुश रहिए, जिंदगी को रास्ता दीजिए। तकलीफें आती रहेंगी लेकिन खुशी और गम यही तो जिंदगी है, खट्टा मीठा। जिंदगी में अगर आसानी हो, तो गालिब ने कहा था अगर आसानी हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। दोस्तों यहाँ देखिए टूरिस्ट है और ये बर्फ है, और मैं आपको एक और बात दिखाता हूँ कि टूरिस्ट क्योंकि सारे साल आएंगे, ये देखिए सफ़ेद रंग का कपड़ा इसके ऊपर डाल के इस बर्फ़ को आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि आने वाले महीनों में बर्फ़ पिघल जाएगी, तो इस बर्फ़ को सेव रखा गया है ताकि इनका टूरिज़्म चलता रहे। ये देखिए ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, और इसको पूरा पहाड़ी के ऊपर वहाँ तक डाल दिया गया है, और ये उसके नीचे से बर्फ़ निकल रही है ताकि टूरिस्ट जो सारे साल आएंगे उनको यहाँ पर बर्फ़ देखने और खेलने के लिए मिले। दोस्तों टूरिज़्म को कायम रखने के लिए, बर्फ़ को सेव रखने के लिए आने वाले महीनों में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी, बर्फ़ अभी पड़ेगी नहीं, तो टूरिस्ट के लिए इस तरह से बर्फ़ को यहाँ पर बचा लिया गया है ताकि बाद में गर्म महीनों में आने वाले टूरिस्ट जो हैं वो भी इंजॉय कर सकें। Vielleicht ein bisschen zu weit unten. Sander, du kommst, oder? Ich will ein Foto nehmen, Mann.
दोस्तों माउंट टिटलिस में जब बर्फ़ के ऊपर ऊपर चढ़ के बहुत आगे जाके आप थक जाते हैं, तो एक सस्पेंशन ब्रिज है जो बहुत ऊँचा है, हज़ारों फुट की बुलंदी पे, उसको जब आप क्रॉस करते हैं, नज़ारे देखते हैं, बर्फबारी बर्फ़ पड़ी भी देखते हैं, तो फिर आपको ईजी एक्सेस जो है जहाँ से आपने एग्ज़िट करना है, तो उसके लिए ये एक सुरंग बना दी गई है, क्योंकि आप थक जाते हैं बर्फ़ के ऊपर, बहुत सर्दी है, तो फिर आप इस टनल के ज़रिए स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूं 3040 मीटर की बुलंदी पे, और इस वक्त मैं स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर हूं। यहां पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। दोस्तों यहाँ मेरे खाने के लिए सिर्फ यही था, तो एक कोक ले ली, चिप्स ले लिए और कैचअप ले लिए, इसके अलावा पत्नी की पकाई बैठे ने आज चिप्स खाने हैं। और ये पांचवा लेवल है, चार लेवल हम आ चुके हैं, और ये देखिए पीछे सयाह हैं बहुत ज़्यादा दूर तक, और इन्जॉय कर रहे हैं नीचे स्विट्ज़रलैंड की हसीन और ख़ूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत मौसम। अभी धूप निकली हुई थी लेकिन अब बादल आ गए हैं, और अब हम जाके उस चेयर लिफ्ट में बैठेंगे और देखते हैं चेयर लिफ्ट हमें कहाँ लेकर जाएगी। अच्छा उधर कोई भी नहीं आ रहा। ये है पाकिस्तान का झंडा, ये देखें, और ये पाकिस्तान का झंडा, और हम इसमें जाएंगे भाई सरदार साहब आ जाए, और हम बैठ गए अपने पाकिस्तान के झंडे वाले कैबिन में, और अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर जो ये केबल कार चल रही है, इसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के झंडे लगे हुए हैं, तो पाकिस्तान का भी झंडा लगा हुआ है। जबकि मैं यूके में जिस जगह पर भी गया, जहाँ मैं टूरिस्ट बसों में गया या उन बसों में जब आप सवार होते हैं, तो वहाँ सारे ममालिक के झंडे होते हैं, पाकिस्तान का झंडा नहीं होता। तो इस टूर में मैंने जिस जगह को विजिट किया, वहाँ कहीं भी पाकिस्तान का झंडा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का झंडा, ओ माई गॉड, जान निकल गई, बड़ी स्पीड से नीचे आ रही है, पाकिस्तान का झंडा है इस जो है केबल कार पे लगा हुआ है। और ये देखिए पीछे के नज़ारे, कितने खूबसूरत हसीन मंजर है। और अब हम जा रहे हैं वापस, ये देखिए यहाँ के नज़ारे, और अब हम जाएंगे नीचे। दोस्तों ये देखें ये लेक जितना नीचे आते जा रहे हैं कितनी बड़ी नज़र आ रही है, ऊपर से कितनी छोटी नज़र आ रही थी। और हम सवार हैं पाकिस्तान के झंडे वाले केबिन के अंदर, केबल कार में, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है इसमें आके। अब हम वापस जा रहे हैं, इसके पांच स्टेप्स थे, पांच दफ़ा हमने तीन चार दफ़ा केबल कार चेंज की, और एक दफ़ा फिर एक बड़े से गोले में बैठ कर हम सबसे ऊपर गए, जहाँ पर मैंने आपको शाहरुख और काजल का एक पोस्टर भी दिखाया DDLJ का। वो मेरे पीछे आप झील देखें, ऊपर से कितनी छोटी नजर आ रही थी, इस वक्त कितनी बड़ी होती जा रही है। और ये जिस कैबिन में हम बैठे हैं, इस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, मेरे पाकिस्तान का सब जलाली परचम। और हमने इस कार का इंतजार किया, और इसमें हम बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत मौसम है,
बड़ा हसीन मंजर है। मेरे साथ मेरे होस्ट जुल्फकार साहब हैं और मैं पाकिस्तानियों से कहूंगा कि मेरे वीडियो जरूर देखें। मैं आपके लिए पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूं और ग्रीन पासपोर्ट को पूरी दुनिया में मैं लेके जाऊंगा पाकिस्तानी झंडे के साथ। और आपने करना सिर्फ ये है कि मेरे वीडियोस देखने हैं आपने, और उससे जितना जो जनरेट होगा क्या कहते हैं रेवेन्यू, उससे मैं फिर दुनिया घूम सकूंगा। और ये है मेरे पाकिस्तान का मेरा ग्रीन पासपोर्ट, इसकी इज्जत और आबरू के लिए मैंने जाना है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पहुंचाना है, सूफिया कराम का पैगाम पहुंचाना है और पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करनी है। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी जिंदाबाद।